फिलहाल 2K को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2K तो कल रात ही हो गए थे, बट भाई लोगों ने क्या करा, जैसी दस कम कर दिए, दस कम भाई। हमने 2K के बाद हम लाइव आए और रात को थोड़ी देर बाद देखा लोगों ने भाई 9 से 10 सब्सक्राइबर कम कर दिए। कौन थे वो चिढ़ने वाले? सब्सक्राइब करके कम करने वाली क्या बात है? वही तो मतलब ये चीड़ होती है, पता है क्या है, लाइफ में अगर आप कभी भी आगे बढ़ते हो ना तो आपको उससे पहले पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। वंस मोर तमाचा, एक तमाचा और पड़ी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू रितेन सोनी ब्लॉग से। आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई शाम के आई थिंक 4:30 या 5 बज चुका है। हाँ, 5 बज चुका है। सोनू भी गई थी कॉलेज एंड आज मैं भी गया था कॉलेज। मेरे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम चल रहा है गाइस, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही थी एंड अभी प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं। परसों से प्रैक्टिकल है 2 दिन के लिए, तो आई नो आप लोग गिव अवे का वेट कर रहे होंगे, बट गिव अवे आई थिंक 6 मार्च या फिर 7 मार्च को हम लोग डिसाइड कर देंगे एंड उसी दिन फाइनल हम लोग जो भी विनर होंगे उनको गिव अवे दे देंगे, ठीक है। एंड गाइज अभी हम जा रहे हैं 2K के सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा सा केक लेने, जो कि हमने कल ऑर्डर दे दिया था। इतना छोटा सा है, वो भी ऑर्डर देना पड़ा क्योंकि हमें ना उसके ऊपर से कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए था, ओनली 2K हमें लिखना था उसके ऊपर से। तो हमने बोला कि भैया हमें प्लेन पेस्ट्री चाहिए, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे सिद्ध वाला बेकरी पे। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाकी जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स और बढ़ने चाहिए एंड इस चैनल को जो भी देख रहा है उसे शेयर करो भाई, फटाफट बहुत ज़्यादा शेयर करो। एंड गाइज एक सेलिब्रेशन तो बनता है, तो छोटा सा पेस्ट लेके आते हैं एंड बच्चों के साथ कट करेंगे उसको, तो जल्दी जल्दी से निकलते हैं। गाइज हम लोग तो आ चुके हैं केक लेके एंड भाई केक की हालत क्या हो रही है अभी आपको दिखाता हूँ। जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से हुआ नहीं कुछ, अंकल ने हमारा पोपट कर दिया। हम बच्चों के साथ केक काटने से जा रहे हैं, जैसे हम कितना ज़्यादा कुछ लेके आ रखे होंगे खाने पीने का, बट कुछ है नहीं गाइज। तो गाइज यहाँ पर सोनू अनबॉक्स कर रही है केक को भाई, ये है 2K। जिस हिसाब से मैंने सोचा था अंकल ने वैसा किया नहीं। मैंने सोनू को बोला, वहाँ पर मैंने इसको बोला सोनू तुम लिख लो अपने हाथ से, इसने कहा ना अंकल लिख देंगे, और अंकल ने इतना छोटा लिख दिया, पता है अंकल ने खतरनाक लिख दिया। मैंने इसको प्लेन इसलिए करवाया था ताकि इसमें बड़ा बड़ा 2K लिख दें, और भाई इतनी स्पेस तो खाली है इसकी, इसको भर देते हैं। कैसे भरोगे? मोमबत्ती से। फिलहाल 2K को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2K तो कल रात ही हो गए थे, बट भाई लोगों ने क्या करा, जैसी दस कम कर दिए, दस कम भाई। हमने 2K के बाद हम लाइव आए और रात को थोड़ी देर बाद देखा लोगों ने भाई 9 से 10 सब्सक्राइबर कम कर दिए। कौन थे वो चिढ़ने वाले? सब्सक्राइब करके कम करने वाली क्या बात है? वही मतलब ये चीड़ होती है, पता है क्या है, लाइफ में अगर आप कभी भी आगे बढ़ते हो ना तो आपको उससे पहले पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। वंस मोर तमाचा, वही तो। वंस मोर तमाचा, एक तमाचा और पड़ गया। अभी 10 क्या मतलब 10 कम हुए, अब 20 बढ़ गए, ऐसा हुआ बात। हां भाई उससे दोगुने तो बढ़ गए, क्या फायदा आपके कम करने का बताओ। अगर आपने अब कम कर दिए अब करना मत सब्सक्राइब, हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे फैंस ऐसे फॉलोअर्स। क्यों उन्होंने 10 कम करे भगवान जी ने, उसके बदले 20 और दे दिए। तो फिलहाल इसको हम कट करते हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम है, इन्होंने भी पढ़ना है और मेरे भी बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी। गाइस यहाँ पर कैंडल जल चुकी है, जल्दी से इसमें फूक मारते हैं क्योंकि ये मोमबत्ती पिघलेगी एंड हम इसे खा नहीं पाएंगे उसके बाद। जल्दी जल्दी से करो, फूक करो, फूक करो। ये हैप्पी 2K सब्सक्राइबर्स। गाली 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 तो चलो कट तो करो केक। यहाँ पर पहले कैंडल हटाते हैं जल्दी से, इसको ना हम ऐसे कट करेंगे तो 4 लोगों में हो जाए, ठीक है। हैप्पी 2K। अब सोच रही है कि कौन सा बड़ा है, सारे इक्वल है। ये बड़े लोग है ना गाइस, ये हाथ से नहीं खाते, इन्हें स्पून चाहिए, है ना। वही तो अंग्रेज। ये मत सोचने कि भैया अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं और गिव अवे नहीं देंगे भाई, गिव अवे आएगा आपका मार्च में 6 या 7, ठीक है। मेरे 2 प्रैक्टिकल बचे हैं, प्रैक्टिकल निपटा के गिव अवे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फोटो तो खींची नहीं होगी, मेरा फोन वहां तो मैंने बोला चलो खाती हूं तो आ जाएगी। इसमें गाइस हमने ना कम्युनिटी पोस्ट के लिए फोटो खींचनी थी और उससे पहले हमने केक काट दिया भाई। ये और प्यारा लग रहा है, देखो क्या मस्त लग रहा है यार, है ये बेटर लग रहा है भाई। डिजाइन तो हमने दे दिया, हाँ जो पेस्ट्री सिंपल थी ना उससे अच्छी है, अब काट के लग रही है। एंड यहाँ पर अप्पू ले आई है अपने लिए BNB और स्पून, क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसे खाते हैं गाइस। खाओ खाओ, शर्मिंदा मत करो, खाओ खाओ। सैमू तुम भी ले आओ फिर अपने लिए, और हम हाथ से खा लेंगे, हमारे लिए मत लेके आना, हम छोटे लोग हैं। सैमू हमें कंपनी दे रहा है, कह रहा है मैं भी हाथ से खाऊंगा। बड़े लोग बोल रहे थे, खुद देख रहे हो ऐसे होते हैं बेचारे ये बदतमीज आदमी लोग। क्या हो गया गाइस, स्पून रखी थी मैंने, मैंने अपने मुंह पे ही तमाचा मार दिया। पार्टी कैसी लगी सब लोग ये बताओ? पार्टी तो बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट ना भाई। 50 रुपए में जो खाया है ना आज पेट भर के मजा आ गया। तो चलो पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना। बहुत पढ़ाई बहुत हो गई, ये पढ़ाई भी एक आफत है, बट इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया करो, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ाई करने की उम्र बार बार नहीं आती, समझ रहे बच्चों। हमारी तो पूरी हो चुकी है, हम हो चुके हैं बुड्ढे। चलो बुड्ढे बुड्ढे हो चुके हैं हम, अभी तक तो मुझे आपकी दाढ़ी दिखी नहीं।
दाढ़ी है देखो ये। अरे बहू जरा चाय लेके आना तो। उड़ती हुई चप्पल ही आएगी। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर आएगा गाइस, चप्पल तो नीचे में उड़ती होगी। तुम मानो चप्पल उड़ती है? क्या हेलीकॉप्टर घर में उड़ता है? जमीन बहुत ज्यादा है ना गाइस हमारी, तो हेलीकॉप्टर का हमने वहीं मार के लैंडिंग। आपको भाई है ना लक्को? हाँ। वो उड़ाता होगा बोल रही है हेलीकॉप्टर। लक्को को जानती है कैसे? हाँ भाई, लक्को भाई की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। चले हम लोग अब चले। अब ब्लॉग में हमारी बढ़ रही होगी। हाँ तुम्हारी बढ़ेगी भाई, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय गाइस, निकल रहे हैं यहाँ से अब। भाई देखो अभी अभी हमने वहाँ पे केक कट किया, थोड़ा गंदा हुआ, तो दीदी आती एंड उससे पहले उसने वहाँ पर कॉलिन वगैरह डाल के साफ कर दिया। थैंक यू सेमू भाई। Hey guys, welcome back to the same episode. And guys, आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ गाइज कॉलेज। एंड गाइज बीच में एक दिन ब्लॉग स्किप हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। एंड मेरा कल प्रैक्टिकल है गाइज, तो प्रैक्टिकल का ही प्रिपरेशन करना है। एंड गाइज साथ में हमारे सीनियर की फेयरवेल है, तो उस चीज़ को लेकर भी कुछ डेकोरेशन वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइज जल्दी से कॉलेज। एंड आज इन्विटेशन देना है सीनियर्स को, तो कुछ प्रिपरेशन और इन्विटेशन कार्ड बन रखें तो वो सब दिखाऊंगा आपको। बाकी भी मैं निकल रहा हूँ कॉलेज। ओके गाइज पहुँच चुका था कॉलेज एंड हियर वी हैव सम ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ आवर क्लास। तो फिलहाल गाइस अभी जाते हैं एंड इनविटेशन वगैरह देते हैं। तो गाइस हमने सीनियर्स के लिए कुछ इस तरीके के इनविटेशन कार्ड्स बना रखे हैं एंड अंदर बैठे हुए हैं, सबको दे दिए हैं भाई, और इनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं देखो। तो गाइस हमने इनविटेशन कार्ड तो दे दिए भाई सीनियर्स को एंड अभी चल रही है यहाँ पर माइम की प्रैक्टिस। तो गाइस यहाँ पर विशाल भाई बता रहे हैं स्क्रिप्ट माइम की एंड यहाँ पर हम लोगों को परफॉर्म करनी है, जो हमें सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से एंड बॉडी लैंग्वेज से लोगों को समझाना होता है कि क्या एक्ट कर रहे हैं हम। ओके गाइस इनविटेशन वगैरह भी दे दिया एंड माइम की प्रैक्टिस भी हो चुकी है एंड अब जा रहे हैं गाइस वापस रूम को। एंड हियर इज महिमा गाइस। महिमा से बड़े तो उसके बाल है। महिमा पीछे मुड़, काट दिए, नजर लग जाएगी बोल रही है, नहीं दिखा रही। चलो कोई नहीं कोई नहीं, तो निकल रहे हैं गाइस एंड मिलते हैं आपसे सीधे रूम पे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ कॉलेज से एंड आज बहुत सारे काम करने गाइस, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो ग्रूमिंग भी करानी है, क्योंकि भाई अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स को हमेशा जब भी प्रैक्टिकल होते हैं तो दाढ़ी वगैरह सब कटानी पड़ती, चाहे हो भी नहीं ना तब भी शेविंग करानी पड़ेगी, पूरा क्लीन शेव चाहिए भाई, वरना फिर टीचर आपको बताइए। एंड हियर वी हैव श्रेय भाई, मस्त लग रहे हो श्रेय भाई। Cheers for saving. It's time to beard off. तो भाई करना पड़ता है एंड मुझे पता है आप में से जो भी लोग मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल में हमारी क्या दुर्दशा हो जाती है, बट कुछ दिन का है आई थिंक 10-15 दिन में तो दाढ़ी आई जाती है श्रेय भाई। एंड मैं पहन रहा हूँ गाइस फेयरवेल में फॉर्मल ड्रेस, तो मुझे उसके लिए ब्लेजर भी लेना है, बट उससे पहले मुझे अपनी पैंट ढीली करवानी क्योंकि वो टाइट हो चुकी है। तुम्हारा भाई हो चुका है थोड़ा मोटा। गाइस शाम के बज चुके हैं 5 एंड अभी धूप जाने का टाइम है, अब धूप आ रही है भाई। सुबह से आज देहरादून में धूप नहीं थी क्योंकि गाइस पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो इस समय देहरादून में ही बहुत ठंडा है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गाइस टेलर के वहाँ पैंट की फिटिंग कराने के लिए। आई हैव 2 फॉर्मल पैंट्स एंड जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है एंड अभी सीनियर्स की फेयरवेल है, बाकी ये पैंट को टेलर को देके आते हैं। सो गाइस मैंने पैंट तो दे दी टेलर के वहाँ एंड आई थिंक 2-3 दिन तक मिल जाएगी, तो अभी हम जा रहे हैं यूपीएस घूमने। गाइस हम आए थे यूपीएस एंड भाई ये देखो उधर सनसेट हो रहा है एंड उधर से शैडो फट रही है, इधर खतरनाक दिख रहा है भाई, देख रहे हो आप कलर डिफरेंस कितना हो रहा है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम पे एंड कल है मेरा प्रैक्टिकल गाइस, तो फिर मुझे प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है, पहले रिटर्न होगा देन वाइवा होगा एंड साथ ही साथ सुबह मेरे को थोड़ी सी ग्रूमिंग करानी है, क्योंकि गाइस मूछे तो रख सकता हूँ बट पूरा क्लीन कराना पड़ेगा, दाढ़ी है भी नहीं फिर भी। एंड इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।